हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, सोल के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है जो ये पूछते हैं कि सर प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर और स्टैम्प करवाने पड़ते हैं, कंपलसरी है या होते भी है या नहीं, ठीक है ना। तो कई सारे स्टूडेंट हैं सोल से पास आउट हो जाते हैं, जिनकी ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो जाते हैं, चाहे वो ऑफलाइन माध्यम से हो चाहे ऑनलाइन माध्यम से, ज़्यादातर ऑफलाइन ही है। ऑनलाइन तो अभी पेंडेमिक की वजह से चल रहा था। तो जब आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ जाता है, जिनका आ गया है उनके लिए भी और जिनका नहीं आया उनका भी आ जाएगा, और आपके मन में सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि सिग्नेचर स्टैम्प क्या सोल के अंदर प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर भी करवाना अनिवार्य है या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊँगा कि आपको जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो कि ऑनलाइन आपके डैशबोर्ड पर प्लस जो आपके एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट करके एक साइट है उस पर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर वो आपका आ गया तो आपको करवाना ही नहीं। पहली बात, आपको अपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे कोई भी स्टैम्प और सिग्नेचर नहीं कराना है, ये ऑलरेडी वेरीफाई होता है। अब आपके मन में आएगा सबसे बड़ी बात कि ये कैसे वेरीफाई होता है, सर सिग्नेचर कैसे होते। देखिए, पहली बात तो इसके अंदर ऑलरेडी सिग्नेचर हो रखे है, 3 सिग्नेचर प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर होते हैं। बट फिर आपके मन में फिर एक और क्वेश्चन आएगा, सर सिग्नेचर तो मार्कशीट पे भी होते, फिर भी उस पर हम वेरीफाई कराने क्यों जाते। देखिए, एक्चुअली बात क्या है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है उसमें सिग्नेचर के अलावा भी आप देख सकते हो उसके अंदर एक चीज़ और है। जिनको समझ में आ गई है वो बता सकता है, जिनको नहीं आई वो मैं बताता हूँ, बार कोड। जी हाँ, ये जो बार कोड है ना, ये ही आपका वेरीफाई है। ऑनलाइन वेरीफाई होता है डिजिटली, जिसमें भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट में बारकोड है ना, सब में होता है आज के टाइम पे, उनको वेरीफाई कराने की कोई ज़रूरत नहीं है सोल जाकर, क्योंकि बारकोड के अंदर आपकी सारी डिटेल है, ये ऑलरेडी ही वेरीफाई रहता है डिजिटली, सिग्नेचर इसके अंदर होते हैं। तो मार्कशीट पे आपको स्टैम्प और सिग्नेचर करवाने होते हैं, बट प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे आपको कोई भी स्टैम्प और सिग्नेचर नहीं कराने, ये ऑलरेडी वैलिड रहता है कोई भी फ्यूचर पर्पज़ के लिए। आप कहीं भी लगा सकते हो, जॉब आपके फॉर्म में, एडमिशन में, कहीं भी जहाँ भी आपसे डिग्री की डिमांड की जाती है, प्रोविजनल को डिग्री की बहन भी बोला जाता है, छोटी डिग्री भी बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे कि IAS के पेपर जो UPSC का जो छोटा पेपर SSC को बोला जाता है, इसी तरीके से डिग्री का जो छोटा मोड है वो प्रोविजनल है। तो प्रोविजनल डिग्री की जगह काम करता है जब तक डिग्री नहीं मिल जाती। तो इस पर आपको सिग्नेचर और स्टैम्प नहीं लगवानी है, ऑलरेडी डिजिटली वेरीफाई रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसको निकलवा लीजिए रंगीन में, मोटे कागज़ पे, कौन से कागज़ पे निकलवाना है, A4 साइज़ का जो आधार कार्ड वाला जो कागज़ होता है, मोटा सा रहता है, जो स्लिपरी सा रहता है, ठीक है ना, सिल्की सा होता है थोड़ा, आप देख लेना, ठीक है ना, जिसमें प्लेन सा रहता है उसमें आप निकलवा लेना, लैमिनेट करवा के अपने पास रखिए, जब आपका फ्यूचर में कोई भी पर्पस हो आप इसका यूज कर सकते हो। समझ में आ गई बात? इससे अच्छा कोई एक्सप्लेन आपको नहीं दे सकता, मुझे तो लगता नहीं है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और धीरे धीरे जो भी अपडेट होगी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आज के लिए बस नहीं, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि कई ज़्यादा कन्फ्यूजन ये रहती है, ये ऑल सब्जेक्ट के लिए जिनके प्रोविजनल सर्टिफिकेट अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और बाकी रेगुलर वालों के जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलते हैं वो ऑलरेडी वेरीफाई होते हैं, क्योंकि वो ऑफलाइन मोड पे मिलते हैं। SOL के जो मिलते हैं वो भी डिजिटली वेरीफाई होते हैं, क्योंकि इसमें बारकोड होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।